पिछले 8 महीने से चीन ने पूर्वी लद्दाख से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी आक्रामकता दिखाई है। विवाद अभी भी जारी है, कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। जहां एक तरफ चीन ने भारत के साथ लगातार विवाद को बढ़ाए रखा, वहीं दूसरी तरफ अब उसकी निगाहें भारत के अन्य पड़ोसी देशों पर भी टिकी हुई हैं। चीन ने इस बार अपने शिकार के रूप में म्यांमार को चुना है, इस बात का दावा अमेरिकी थिंक टैंक ने भी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने दक्षिणी सीमा पर लगभग 2000 किलोमीटर लंबी कांटों की दीवार बनाने की तैयारी कर ली है। चीन की दक्षिणी सीमा पर म्यांमार स्थित है, वहीं म्यांमार की सीमाएं भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से लगी हुई हैं, और इसी क्षेत्र में चीन की गुस्ताखियों को लेकर सेना प्रमुख ने भी चिंता जाहिर की थी। एक टॉप अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है कि चीन की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं वो सभी उसकी विस्तारवादी सोच का नतीजा है, और उनकी इन हरकतों से दक्षिण एशिया में संघर्ष और बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस चीनी दीवार को सदर्न ग्रेट वॉल नाम दिया गया है। चीन ने हालांकि इस दीवार के पीछे निर्माण के लिए कोविड-19 को जिम्मेदार बताया है। रेडियो फ्री एशिया ने कहा है कि इस दीवार का निर्माण इस साल से शुरू हो जाएगा। वहीं 659 किलोमीटर तक के बैरियर का कंस्ट्रक्शन को पूरा कर लिया गया है। इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर आई उन तस्वीरों से भी बल मिला है जिसमें चीन के वॉन्डिंग और म्यांमार के रुइली का हिस्सा नजर आ रहा है। ये जगह चीन के यूनान प्रांत और म्यांमार के शान राज्य के बीच है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि एक स्टील की दीवार को कांटों के तारों से सुरक्षित किया गया है। हालांकि म्यांमार लगातार चीन के एक्शन का विरोध करता आया है। म्यांमार की सेना ने चीन के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस दीवार के काम को बंद कर दिया जाए। इस चिट्ठी में चीन को सन 1961 में हुई उस संधि की याद दिलाई गई है जिसके तहत इस तरह के निर्माण की मंजूरी बस 10 मीटर तक चिन्हित इलाकों के लिए की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।